नीरंजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये गति परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज सबसे मुख्य आपके लाभ के भाव में है। इस वक्त 30 साल बाद आए हैं, यहाँ पर वारे न्यारे कराने आए हैं। बकरी चल रहे थे, लाभ में थोड़ी कमी कर रहे थे, लेकिन अब आ गया है समय बनेटी घुमाने का। बनेटी घुमाने का समय आ गया है। और यदि आपने सही रूप से कार्य कर लिया, जो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हम आपको निष्कर्ष देने वाले हैं। लोग तो आपको नग बेचने के चक्कर में रहते हैं, लोग तो आपको सामान बेचने के चक्कर में रहते हैं। लोग वीडियो देखें और मैं सामान कुछ ना कुछ प्रभावित होकर ले लें, चाहे नग बेचने चाहे कुछ भी कर ले। और बस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि शनि क्या है, क्या करने जा रहे हैं। हिंग लगे न फिर रंग चुटाओ, वो आपको सिद्धांतिक तौर पर समझना चाहिए। ज्योतिष नग बेचने की दुकान नहीं है, सबसे पहले ये समझ लें। और आपके लिए तो शनि महाराज का परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि 30 साल बाद ये योग बन रहा है, 18 महीने बाकी है। 18 महीने यदि आप सही रूप से कर ले तो वारे न्यारे होने निश्चित है, निश्चित है, निश्चित, ये समझ लीजिए। क्योंकि शनि महाराज लाभ देने आए हैं, मालकी होकर यहाँ बैठ गए हैं। और विशेष तौर पर 4 नवंबर से जो मालकी होगा, उसके बाद 18 महीने तक जो योग बनाएंगे, विशेष तौर पर उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन कुछ सावधानी बरतने की चीजें हैं, वो भी आपको सही रूप से समझाने वाले हैं। शनि महाराज आपके दशम भाव की और एकादश भाव की बात, दशम और एकादश में शनि हमेशा शुभ फल देने के योग बनाते हैं, ये सिद्धांतिक तौर पर है। तो शनि का बैठना वहां महत्वपूर्ण फल देने वाला है, लाभ की संज्ञा को बढ़ाने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ दिन से 4 महीने से जो अचल है, तो जो बकरी चल रहे थे, धीरे 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 लाभ की स्थिति नहीं बना रहे थे, नुकसान देने की योग बना रहे थे, क्योंकि डेटोरेट हो गए थे। अब आगे आगे बढ़ने शुरू हो गए, शनि गति देंगे धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से, तो लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन एक समस्या है, धन आएगा कैसे? सही मार्ग से आएगा, खूब आएगा, खूब लाभ होगा, ये तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। खूब लाभ होने की स्थिति बनाने वाले हैं शनि महाराज। लेकिन शनि की बैठना बहुत शुभ है, लेकिन शनि की दृष्टि जो है ना, वो कष्ट देने के लिए उतर आ रही है। शनि महाराज बहुत सुंदर भाव में है, अपनी राशि में लाभ के सामने बैठे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है, 3 दृष्टि है शनि की, लग्न पर पड़ रही है, पंचम पे पड़ रही है और अष्टम पे पड़ रही है। लग्न स्वयं आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ रही है। शनि जिद का प्रतीक है, शनि आलस्य का प्रतीक है, और शनि विशेष तौर पर यहां बृहस्पति पर भी, क्योंकि तो आपके 6 महीने आने वाले 6 महीने बृहस्पति वहां चलने वाले हैं, शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, ज्ञान पर, विवेक पर, बुद्धि पर, विद्या पर, इन सब पर प्रभाव डाल देंगे शनि। शनि का प्रभाव पड़ता है तो सब क्या, सब लुप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, शनि आपको अपने स्वरूप को, डिलेनेस के स्वरूप को, धीरे करने के स्वरूप को, आपकी स्पीड को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पर आलस चढ़ा सकते हैं। तो इस बात को आपको ठीक करना पड़ेगा, सूत्र हम बताएंगे शनि ने ये कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव कारण क्या है कि जो पहली दृष्टि शनि की पड़ रही है, वो लग्न में जो पड़ रही है, वहां मेष राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल स्वयं इस वक्त आने वाले 4 महीने तक अस्त चलने वाले हैं, शक्ति होने है नहीं उनके अंदर। और यहां पर लग्न का अपने इंटरनल पर्सनैलिटी का प्रभाव है, इस पर सही शनि की दृष्टि जो है वो बहुत कष्टदायक है। इसका ठीक करने का उपाय हम आपको बताने वाले, उसको जरूर कर लीजिएगा, उससे बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए शनि के कष्टों को दूर करने का रास्ता प्राप्त होने के रास्ते बन जाएंगे। ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ उपाय करने की जरूरत है, धर्म की साथ बृहस्पति का उपाय करने की जरूरत है, धर्मयुक्त कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पति धर्म है, धर्म से विमुख मत होइएगा। कहीं आप सोच लें कि अरे धर्म हम सब बेकार है, कैसे जब आदमी के बारे में आ रहे होते ना, जब आ रहे होते हैं गलत, यहां गलत मार्ग से पैसा आने के योग, गलत मार्ग से पैसे आने के योग है, आपको समझा रहा हूं, गलत मार्ग से, अधर्म के मार्ग से पैसे आने, खूब पैसे, मतलब आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, यहां से भी जाओ, आने का योग है। तो जब आ रहा होता है आदमी कहता है छोड़ना भैया, ज्ञान ज्ञान एक तरफ, धर्म एक तरफ, ऐसा मत करना भैया, नहीं तो कष्ट में फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना, देर है अंधेर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि अधर्म के मार्ग से धर्म की कमाई बहुत दिन तक कष्ट, बाद में कष्ट देती है, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक है, उसको शनि दूर करने का प्रयास। दूसरी समस्या क्या है, बुद्धि पर, पंचम भाव पे शनि देख रहा है, वहां शनि की के पिता सूर्य की राशि पड़ी है और वहां पर वो खराब कर रहा है, फिर शनि की दृष्टि खराब होती है। गणेश जी भी शनि की दृष्टि पड़ी थी,
गणेश जी की गर्दन साफ करवा दीजिए, शनि की दृष्टि का दोष है, शनि के बैठने का दोष नहीं, शनि की दृष्टि का दोष है, शनि इस वक्त दृष्टि डाली और वहां कष्ट दे दिया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि बुद्धि पर, संतान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसके लिए कष्ट देने का योग बना सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, शनि को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो शनि आपके लिए कष्ट देने के योग। बुद्धि पर, ज्ञान पर, विवेक पर, ये सब चीज संतान पर, इसको शनि की दृष्टि पर उपाय हम बताएंगे। बृहस्पति महाराज बचने का रास्ता बना रहे हैं आपके, तो आपको नित्यपति धर्मयुक्त कार्य करने के प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी जन, गुरुजन का सेवा, पिता माता पिता की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, नित्य प्रति ये ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है अष्टम भाव, तो ये बहुत बढ़िया है, आपके समस्त कष्ट दुख को बंद करने के योग बना रहा है, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। विषय है केवल धर्मयुक्त कार्य का। किसी भी कारण से जब पैसा अच्छा आता है तो व्यक्ति व्यभिचार की तरफ, गलत कामों की तरफ, गलत अनैतिक कार्यों की तरफ चला जाता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है कि जितना गलत तरफ जाओगे उतना ज्यादा गलत तरफ लाभ होंगे। अधर्म के युक्त कार्य नहीं करना है, बस यहाँ एक कंट्रोल कर लेना, बस अधर्म का कार्य किसी गर्दन काटने का, किसी को नुकसान पहुंचाकर सामने वाले का दिल दुखे, इस बात को ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याण की योग। यदि थोड़ी दाढ़ी भी रखें, थोड़ी दाढ़ी बड़ी रखें, तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकती है। इसके द्वारा बहुत ज्यादा चेहरे पे मूछे रखना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, ये आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इस समय में ये भी एक टूट के उपाय आपको बता देते हैं, इसके द्वारा भी बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे शनि के दुष्प्रभाव को, इन दो दुष्प्रभाव जो मुख्य है, जो शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि पंचम में पड़ रही है, ये कष्ट देने की बता रही है, जो कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए शनि के विभिन्न उपाय है। सूर्य का सम्मान, नित्यपति सूर्य को जल दे, नित्यपति सूर्य को जल देने का प्रयास करें, इससे संतान के आयु में रास्ता बन जाएगा और शनि के विघ्न स्रोत बता हनुमान चालीसा का। क्योंकि चतुर्थ जो पहली दृष्टि है मंगल की राशि में पड़ रही है, मंगल निस्तेज है, ऐसे हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ कर सकते हो, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको भोग लगा सकते हैं। एक उपाय और बता दें आपको, शनि के स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ। शनि का एक दिव्य स्तोत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकण्ठाय, जब हम पूरा सुना रहे हैं उसको, लेकिन उसका यदि नित्य प्रति आपने एक बार भी पाठ कर लिया, एक बार दो मिनट आपने निकाल लिया या सुन लिया, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए शनि का दुष्प्रभाव आप कुंडली से दूर हो जाएगा, निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। इसको समझ लीजिए कि शनि स्तोत्र का पाठ हम करके सुना रहे हैं, आप पढ़ के सुना रहे हैं, यदि आपको याद हो जाए तो सुन लीजिए, आगे से पढ़ लीजिए, नहीं तो यहीं पर सुन लिया कीजिए रोज, देखिएगा शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने का रास्ता आपके समक्ष बहुत आसान है। हिम लगे ना पिछले रंग छुका हो, शनि स्तोत्र इस प्रकार से पढ़ा जाता है, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोधरभयाकृते, नमः पुष्करगात्राय स्थूलरोमणेयथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोऽस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं विसृंशाय नमोऽस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, व्यालोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं मस्तु तदा सौरिग्रह राजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र, और इसका ऐसा चमत्कारी प्रभाव है यदि एक बार नित्यपति इसका श्रवण भी कर ले आप। जी हाँ, कथा का श्रवण करने जाते हैं ना, कथा का पाठ तो नहीं करते आप, कथा का करना पाठ और कथा का श्रवण करना, श्रवण करने का महत्व है, यदि आप जब कर सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है, यदि आप इसका श्रवण भी कर लें तो शनि के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से बचा सकते हैं। तो ये मैंने दिव्य शनि के स्तोत्र को आपके समक्ष रखा है,